आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे। साल 2003 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में एक ही नाम के आदमी की चर्चा गर्म थी। ये नाम था एंड्रू कार्लसन, जिसने $800 की रकम से शुरुआत कर दो हफ्तों की ट्रेडिंग में ही करीब 24 अरब रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कि कौन शेयर ऊपर जाएगा और कौन नीचे, क्योंकि वह साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उस पर केस चलता रहा और करीब एक महीने बाद वह बेल पर बाहर आया। इससे कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति गायब हो गए। जब पुलिस ने उसके बेल कराने वाले और उसके बारे में जानकारी जुटाई तो उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। न्यूयॉर्क पुलिस रिकॉर्ड में भी कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिसके बारे में कुछ भी स्पष्टता से कह पाना मुश्किल है। साल 1950 में वॉल स्ट्रीट पर विक्टोरियन समय काल के बालों और कपड़ों वाला एक शख्स दिखाई दिया। वो कुछ परेशान था और सबको घूर घूर कर देख रहा था। वो सड़क पर था और उसने सामने से आती गाड़ी को ऐसे घूर कर देखा जैसे पहली बार देखा हो। कुछ ही सेकंड बाद इस गाड़ी से टकरा कर उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति की जेब से पुलिस को 19वीं सदी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रुपए और 1876 का लिखा एक पत्र और बिजनेस कार्ड बरामद हुआ, जिस पर उसका नाम रुडोल्फ फेंटेज लिखा था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने और इस नाम का आदमी ढूंढने पर पता चला कि साल 1876 में इस नाम का शख्स रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था। टाइम ट्रेवल से जुड़ी तस्वीरों के मामले में ये अब तक की सबसे प्रमाणित फ़ोटो मानी जाती है। ये फ़ोटो साल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फोर्क ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में एक युवा पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके कपड़े पहनने का अंदाज आसपास खड़े लोगों से काफ़ी अलग है। उसने ग्राफिक टी शर्ट और काले रंग के सनग्लासेस पहने हैं, साथ ही उसके पास आधुनिक DSLR कैमरा जैसी चीज़ भी है। बता दें कि इन तीनों ही चीज़ों का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। जो आप इस समय ये फ़ोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे आज से तकरीबन 100 साल पहले कनाडा में लिया गया था। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग किसी पहाड़ या चट्टान के ऊपर चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक युवक नज़र आएगा जिसका पहनावा उस समय के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है और उस समय के पहनावे के हिसाब से मेल नहीं खाता। ये फ़ोटो 1917 में खींची गई थी। उस समय के हिसाब से इसके जो फैशन है ये तो अभी के ज़माने यानी कि 20वीं सदी के ज़माने से मेल खाता हुआ नज़र आता है। ये फ़ोटो साल 1943 में आइसलैंड के कैपिटल शहर रेकाविक में खींची गई है। इस फ़ोटो को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको नेवी के सोल्जर्स और आर्मी के सोल्जर्स सब आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। लेकिन आप इस फ़ोटो को गौर से देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति नज़र आएगा जो कि फ़ोन जैसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर वो इस्तेमाल कर रहा है इस फ़ोन जैसी चीज़ का तो बात किससे कर रहा है? फिर शायद तक ये फ़ोन ना होकर उसका टाइम ट्रेवल डिवाइस भी हो सकता है जिसका वो शायद तक इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय दुनिया में किसी और के पास मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो फिर ये व्यक्ति किसी और से बात करने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हो सकता है शायद तक वो उसका टाइम ट्रेवल डिवाइस हो या फिर कुछ और ही हो।